प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जामिनर को जो पेपर आपका मार्क करेगा, चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा, मूल्यांकन करेगा, कि उसको कौन कौन सी बातें इरिटेट करती हैं? वो भी इंसान है, इरिटेट होता है। आप ये बात पक्की मान लीजिए। नंबर वन नोट कीजिए, पहली बात वो इरिटेट करती है जब आप आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते। आप सिर्फ आपने लिखा क्वेश्चन, नो, आगे ऐसे कर करके चले गए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आंसर भी बड़ा पता भी नहीं लगता, ANS लिखा आपने। सिर्फ ANS लिखने से या क्यों लिखने से क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा गया, राइट? आपको पूरा लिखना है, क्वेश्चन 9 ब्रैकेट में आंसर ए, या लिखो क्वेश्चन या आंसर, क्वेश्चन ओब्लिक आंसर 9A 9B क्वेश्चन। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन 9A लिख दिया, ठीक, उसके बाद BCD लिख दो, तो ABCD या 1 2 3 और में भी होंगे, हर जितने भी सब पार्ट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं सब पार्ट में होता है वो। एक क्वेश्चन में चार आपको करने हैं, सपोज करो विस्टास के, तो क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन ओब्लिक आंसर 9A, क्वेश्चन ओब्लिक आंसर 9B, क्वेश्चन ओब्लिक आंसर 9C, ऐसे ऐसे लिखना है। और दूसरी बात जो इरिटेट करेगी, अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा उसका, तो आप वहीं जगह छोड़िए, अगर नहीं लिखोगे स्कैटर करके लास्ट पेज पे लिखोगे, वो इरिटेट करेगी, आपके मार्क्स जरूर कम होंगे, भले ही उसके माइंड में जाके वो बात बैठे कि इसको पता ही नहीं है कुछ। स्पेस दीजिए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9D चार लाइनें छोड़ दीजिए, आपको पता ही 30 40 वर्ड्स उसमें आ जाएंगे। तीसरी बात जो इरिटेट करती है, मान लो कटिंग करनी है आपको, कई बच्चे ऐसा करते हैं, उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे पेन को ऐसे करेंगे, उस पर रगड़ेंगे ऐसे, कई बार मार्क उसको बिल्कुल ब्लू कर देंगे या ब्लैक कर देंगे। ऐसा नहीं है, वर्ड आपसे गलत लिखा गया है, उस पर एक लाइन मारो बीच में, पता लगेगा कट गया, और उसी के ऊपर अलग से ही लिखो वर्ड को, ये नहीं कि उसी को ठीक करो, ये भी गलत होता है, उसी के ऊपर वर्ड लिख दो। वो कहीं तो व्हाइटनर रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो तीसरी बात ये थी, और चौथी बात जो इरिटेट करती है, हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग आपका अप टू मार्क होना चाहिए, उसमें भले ही स्पीड पे लिख रहे हैं आप, एग्जाम में स्पीड बनती है, स्पीड पे लिखना होता है। अगर आप हैंड राइटिंग स्पीड स्लो करके बनाने बैठ गए तो आपका हो गया पेपर फेल। तो आप स्पीड पे लिखिए, परंतु सिर्फ अनुपात का ध्यान रखना है। अनुपात लेटर्स का होता है, 1:2 की रेशो में, मतलब आप इतना भी छोटा ना लिखिए पता ही ना लगे, कहीं सीक्रेटिव टाइप के होते हैं हैंड राइटिंग से, तो लोग मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो नेचर भी पता कर लेते हैं, कि ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सीक्रेटिव नेचर का है, बहुत छोटा छोटा लिखता है, एक ही हाइट में लिख रहे हैं, कई बच्चों का देखा मैंने, लाइन है और एक ही हाइट में सारे वर्ड छोटे छोटे लिख रहे हो, क्या समझ आएगा किसी को? तो इरिटेट हैंड राइटिंग करता है। अपना राइटिंग बड़ा लिखिए, लाइन जो होती है स्पेस होती है ऊपर नीचे की लाइन की, उसकी थोड़ा सा छोड़ना है, 2/3 में लिखिए, और हाफ रेशो में, जो लेटर्स स्मॉल है हाफ में जाएंगे, और जो डबल हाइट के हैं डबल हाइट में, या नीचे जो डबल जाते हैं डबल करो उन्हें। और नेक्स्ट चीज़ क्या होती है जो इरिटेट करती है एग्जामिनर को, कि आप उसमें टाइट लिखते हो बहुत, एक लाइन में आपने 12 15 वर्ड बिल्कुल स्पेस दी नहीं आपने, आप बड़ा लिखोगे और अनुपात में लिखोगे, और एक लाइन में 7 वर्ड से ज़्यादा मत कोशिश करो लिखने की, मतलब लगे स्पेस हो, पढ़ा जा सके, और समय का पूरा ध्यान रखते हुए स्पीड भी बनाओगे आप, ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग खूबसूरती वो पर लगे, रीडेबल हो, लेजिबल हैंड हो आपका, पढ़ा जाने वाला हो। तो ये चार बातें तो बहुत ही इरिटेट करती हैं एग्जामिनर को, और बिल्कुल स्पेस, जब आंसर ख़त्म होता है तो एकदम वहीं से शुरू नहीं करना है, पांचवी बात है, स्पेस दो, 2 3 लाइनें छोड़ो, और टाइम हो तो आप लाइन लगा दो वहाँ पे, कि आंसर ए ख़त्म हुआ तो लाइन लगा दी आपने, डिस्टिंक्ट हो आपके आपके आंसर, खूबसूरत हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो मार्क्स मिलेंगे, गलतियाँ भी छुप जाती हैं अगर
आप बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही लिखा आपने, अच्छा लिखा है, परंतु राइटिंग नहीं है, राइटिंग में वो गड़बड़ हो गई तो एग्जामिनर पे पढ़ा नहीं जा रहा, एवरेज मार्क्स दे के वो चला जाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा राइटिंग है, भले ही उसमें गलतियां हो तो छुप जाती हैं, वो एकदम लिबरल हो जाएगा माइंड उसका और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये चार पांच बातों का ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम कोई और बात लेके जरूर आऊंगा मैं। टिल देन हैव नाइस डे, थैंक यू।